हाँ, जितना भी फाइनेंशियल फॉर्मूला है सब बताएंगे। देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है पीएमटी का। पीएमटी यानी पेमेंट। क्या होता है पीएमटी का मतलब? होता है पेमेंट। अब जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ईएमआई पे सामान खरीदते हैं। जैसे मान लो कि दुकान पे गए और फिर वहां रेफ्रिजरेटर पसंद आ गया था, तो था वो 22,000 रुपए का। कितने का था? 22,000 रुपए का। ठीक है, अब 22,000 तो हम तुम्हारे पास है नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर तमाम बैठे होंगे फाइनेंस करने वाले, तो बोलेंगे ठीक है आपके पास कितना है? 15,000 है। ठीक है, बाकी काम फाइनेंस कर देते हैं। कितना है? 10,000 है, तो बाकी काम फाइनेंस कर देते हैं। तो ऐसे में वो फाइनेंस कर देते हैं। तो क्या क्या चीजें, अब देखो रेफ्रिजरेटर की कुल कॉस्ट कितनी है? 22,000 रुपये, ये कुल कॉस्ट है टोटल। ठीक है, आपके पास कितने हैं प्रेजेंट में? तो यहाँ इसे डाउन पेमेंट के नाम से मैं दे देता हूँ। यहाँ पे कितना पैसे आपके हैं इसके, इसको मैं डाउन पेमेंट लिख देता हूँ। यहाँ डाउन पेमेंट से ईएमआई होगा तो ये डाउन पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारे पास 10,000 है। कितना है? 10,000। ठीक है, अब 10,000 और 22,000 में बहुत फर्क है, तो ऐसा तो है नहीं कि इतना कम करके आपको दे देगा वो। बोलेगा आप फाइनेंस करा लीजिए, तो आप कहेंगे ठीक है फाइनेंस कर दीजिए। तो कितने रुपए की ईएमआई बनेगी और कितने महीने हमको पे करना रहेगा या कितने साल में ये पे करना रहेगा ये भी रहेगा। तो वो बोलेंगे कि जो आपका मंथ है, ठीक है, कितने मंथ में आप देंगे? जैसे कहेंगे 1 साल में आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हम धीरे धीरे करके भरना चाहते हैं, तो 1 साल में दे दीजिएगा। तो यहाँ 1 वर्ष लिख दिया गया है। ठीक है, एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। क्या होता है? और पी, ये देखो ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है रेफ्रिजरेटर इतने का है। कितने का है? 22,000 का। और डाउन पेमेंट आपने कर दिया है 10,000 रुपये, और आपको ईएमआई भरनी है। कितनी ईएमआई भरनी है यही पता करना है। ठीक है, कितनी ईएमआई भरनी है यही पता करना है। और उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है। तो उन्होंने बता दिया है कि देखिए भाई 8.5% की दर से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, यानी कि महीने में 8.5%। ठीक है, अब हमको यहां पर ईएमआई कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करनी है? ईएमआई। तो अब ईएमआई कैलकुलेट कैसे होगा? तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगा लीजिए और यहां लगाइए पीएमटी। लगा दिया पीएमटी। पीएमटी फॉर्मूला ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और ये एक फाइनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? फाइनेंशियल। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अब देखिए सबसे पहले ये कह रहा है रेट, तो रेट हमारा क्या है? 8.5, यही ना है। लेकिन दिक्कत ये है रेट के साथ कि ये पूरा ईयरली दिया गया है, तो ईयर 1 साल में ये इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो 1 साल में नहीं, हमको 1 महीने का देखना है ना ईएमआई। तो इसको हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब सिंटैक्स में क्या कह रहा है, एनपीईआर। एनपीईआर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिनों में इसे चुकाएंगे, कितने महीनों में चुकाएंगे। तो यहाँ महीना तो दिया ही नहीं गया, साल दिया गया, तो हम साल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं 1 साल में। लेकिन 1 साल में आपको तो पता है ना 1 साल में कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर कॉमा दे देंगे। अब क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है पीवी, यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या है रेफ्रिजरेटर कितने का है? 22,000 का। तो 22,000 को सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन क्या आपने कुछ पैसा भुगतान भी किया है इनको? कितना दिया है? 10,000 दिया है। तो माइनस कर दीजिए 10,000, हो गया। ठीक है, और यहां पे देखिए एफबी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। इससे रिटर्न मिलेगा क्या, पैसा का कुछ ब्याज मिलेगा क्या इनको देंगे तो, दुकान वाले को भरेंगे तो? आप तो खुदे ब्याज भर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस ब्याज भरने से मुक्ति मिल जाएगी अगर पूरा भर देंगे तो। यहां पर एक और चीज दी गई है टाइप। तो देखिए जब भी लास्ट के 1 तारीख से गणना शुरू होती है, मतलब ऐसा माना जाए कि आपने 1 तारीख को ही ये ईएमआई शुरू की है, तो 1 तारीख से अगर गिनती होती है तो हम वहां 0 लिखते हैं। और अगर मान लीजिए 15 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख या 20 तारीख, 25 तारीख ऐसे कुछ होता है, तो हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। मामूली अंतर आता है 1-2 रुपए का, या पॉइंट में अंतर आता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल 0 लिखता हूँ। ठीक है, अगर 1 भी लिख सकते हैं आप, 1 लिखेंगे तो यही होगा कि 15 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख ऐसे किसी डे पर ईएमआई शुरू की गई है, इसका मतलब ये होगा। और बहुत मामूली डिफरेंस आता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहां से बंद करेंगे। और क्या करना है हमको? अच्छा ये बताइए, पैसा हम दे रहे हैं ना, चुका रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं, यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है। इस कारण ये कभी कभी रेड में आता है, लाल कलर का दिखेगा और माइनस में दिखेगा। तो देखिए वही हो रहा है, रेड कलर का दिख रहा है और माइनस में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
तो ये हमारी ईएमआई है, यानी 1046.64 रुपए हम पर मंथ भरेंगे तो 12 महीने में ये 8.5% के दर से ये पूरा हो जाएगा हमारा ईएमआई। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? लेकिन हमको अब ये पता करना है कि 12 महीने भरेंगे तो कितना होगा, तो हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 1024 है ना, 1046 है, 1046.24 है ना, 64 है, तो 64 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, हमको तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि 12 महीने में हम कितना भुगतान कर रहे हैं। तो देखिए 12,559.68 रुपए भुगतान किए जा रहे हैं। ऑलरेडी कितना दिया जा चुका है? 10,000 दिया जा चुका है, और कीमत कितनी है? तो ये बताइए कि कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 559.68 रुपए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? 8.5% की दर से दिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे करके ईएमआई निकालना है, निकल जाएगा।